टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रदेश में जल्द शुरू होगी 11 नई आरटीपीसीआर लैब। अब तक कुल 34 लैबों में किया जा रहा था आरटीपीसीआर टेस्ट, 4 महीने में 30 और आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। सभी जिलों में आरटीपीसीआर की जाएगी व्यवस्था। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर चिंता को देखते हुए अब प्रदेश में 11 नई आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत की जाएगी। अभी तक कुल 34 लैबों में आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा था, 4 महीने में 30 और आरटीपीसीआर लैब स्थापित करने की भी तैयारी की जा रही है। सभी जिलों में आरटीपीसीआर की व्यवस्था की जा रही है। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां डीजीपी समेत 9 आईपीएस अफसरों के आज होंगे कार्यकाल खत्म। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी का भी कार्यकाल खत्म होगा, साथ ही कई पीपीएस अफसर भी रिटायर होंगे। नए डीजीपी को लेकर आज सीएम कर सकते हैं ऐलान। यूपीएससी में सीनियर आईपीएस अफसरों का पैनल यूपी सरकार को भेजा गया है। मुकुल गोयल, आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी समेत 9 आईपीएस अफसरों का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मैं संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शिवा, लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी समेत 9 आईपीएस अफसरों का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अनुष्का, चूंकि 30 जून है और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी समेत 21 पुलिस अधिकारी जो पीपीएस और आईपीएस की सेवा से जुड़े हुए हैं, वो आज सभी रिटायर हो जाएंगे। इसमें से 9 आईपीएस अफसर हैं और 12 पीपीएस अफसर हैं। साथ ही साथ ये भी इस बात की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो नए डीजीपी होंगे उनका ऐलान दोपहर बाद हो सकता है, क्योंकि जो नियम अनुसार है उसके द्वारा यही कहा जाता है कि नए डीजीपी के रिटायर होने से पहले ही एक डीजीपी के रिटायर होने से पहले ही नए डीजीपी का नाम जो है उसकी घोषणा हो जाती है। और अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो बीते 4.5 सालों से यही होता हुआ आया है, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर हमेशा डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर वो होता रहा है, चाहे वो सुलखान सिंह की बात करें, ओपी सिंह की बात करें या हितेश चंद्र अवस्थी की बात करें। तो यूपीएससी ने जिन आईपीएस अफसरों का नाम सूची में टॉप 3 में भेजा है, उसमें से 3 आईपीएस अफसर हैं जो 1986 बैच के आईपीएस अफसर हैं, नासिर कमल, उसके बाद मुकुल गोयल जो 1987 बैच के हैं और 1987 बैच के ही आरपी सिंह हैं। 2 लोग जो है वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और 1 जो है वो आरपी सिंह वो वर्तमान में डीजीईओडब्ल्यू हैं। तीनों की कार्यशैली बेहद अच्छी मानी जाती है, लेकिन जो यूपीएससी का जो पैनल नाम भेजता है उसके बाद फाइनल डिसीजन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ही लेगा, और मुख्यमंत्री जिस नाम पर मुहर लगाते हैं थोड़ा इंतजार करना होगा और आज उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी का ऐलान जरूर हो सकता है। जी, तो शिवा, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीजीपी आज अपना कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है, ऐसे में दूसरी खबर ये भी है कि आज नए डीजीपी के नाम का ऐलान भी सीएम कर सकते हैं। ऐसे में सीएम का आज जिस तरीके से ऐलान होना है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आज? बिल्कुल अनुष्का, ये पहले से एक कयास लगाया जा रहा था कि हितेश चंद्र अवस्थी को सेवा विस्तार नहीं चाहिए, ना उनको खुद चाहिए ना सरकार उनको देना चाहती है, इसलिए जो 30 जून को उनका रिटायरमेंट होगा उससे पहले ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी के नाम की जो घोषणा है वो कर सकते हैं। दोपहर तक वक्त देखना होगा, शायद ये हो सकता है कि ट्विटर हैंडल के जरिए या सूचना विभाग के जरिए मीडिया कर्मियों को बता दिया जाए कि किस नाम पर घोषणा हुई है और किस पे सहमति बनाई गई है। 3 टॉप आईपीएस अफसर सबसे पहले पे हैं। ये कहा जा सकता है कि नासिर कमल, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर हैं, वो उत्तर प्रदेश की डीजीपी के पद पर इसलिए दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि सबसे सीनियर बैच है, 1986 बैच है, साथ ही साथ 1987 बैच। मुकुल गोयल वो भी केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर हैं और यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। साथ ही साथ आरपी सिंह जो वर्तमान में डीजीईओडब्ल्यू उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिन्होंने सरकार के अंदर रहते हुए कई बड़े जो घोटाले थे उनका पर्दाफाश किया था। ये तीनों नाम वरिष्ठता के आधार पर भी सबसे आते हैं और जो उनकी कार्यशैली है, जो कैरेक्टर रोल है, उसके आधार पर भी मुख्य बिंदुओं पर सबसे आगे रहते हैं।
तो तीनों में से किन पर मुख्यमंत्री सहमति जताते हैं और किसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाते हैं, दोपहर तक थोड़ा वक्त करना पड़ेगा। हालांकि इसमें देर भी हो सकती है, हो सकता है कि दोपहर बाद जब वर्तमान डीजीपी का रिटायर हो उसके बाद रात तक भी घोषणा हो सकती है। हालांकि तीनों नाम की चर्चा जो है उसको पुलिस महकमे के गलियारों में है और ये कहा जा सकता है कि तीनों में से एक किसी को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया जा सकता है। आपका हम आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां डीजीपी समेत 9 आईपीएस अफसर आज रिटायर होने जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर महानगर सर्किल में किया गया है अर्दिल रूम। महानगर हसनगंज व विकासनगर थाने में मुकदमे दर्ज है जहां पर लंबित विवेचनाओं और IGRS निस्तांतरण के मामले खंगालने शुरू हुए हैं। पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी व एसीपी महानगर भी वहां पर मौजूद रहे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं जहां लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने किया है अर्दली रूम। महानगर सर्किल का किया गया अर्दली रूम। महानगर हसनगंज व विकासनगर थाने में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई है जहां लंबित विवेचनाओं के मामले खंगाले गए हैं। साथ ही पुलिस गश्त को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें पुलिस कमिश्नर वहां मौजूद रहे जहां पर अर्दली रूम का को आयोजित किया गया। आपको बता दें महानगर सर्किल में अर्दली रूम किया गया है जहां थानों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई है। साथ ही लंबित विवेचना और IGRS निस्तांतरण के मामले भी खंगाले गए हैं। साथ ही पुलिस को गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के साथ डीसीपी व एसीपी महानगर भी वहां मौजूद रहे। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शिवा, लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने अर्दली रूम किया है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल देर रात महानगर सर्किल के अंदर खुद पुलिस कमिश्नर लखनऊ डीके ठाकुर ने अर्दली रूम किया है। पहले से ही ये कॉन्सेप्ट रहा है कि जहां पर अर्दली रूम होता है उस सर्किल के थानों से जुड़ी जो विवेचनाएं होती है उसके पुलिस कमिश्नर के समक्ष रखना होता है और उसमें किस तरीके की कार्य प्रगति है, उसमें किस तरीके की विवेचना विवेचक द्वारा की जा रही है, इन सभी चीजों की समीक्षा पुलिस अधिकारियों के सामने होती है। तो कल महानगर थाने के अंदर महानगर हसनगंज और विकास नगर थाने से जुड़ी जितनी भी विवेचनाएं थी, चाहे वो बड़ी धाराओं की हो या छोटी धाराओं की हो, सभी की समीक्षा पुलिस कमिश्नर ने की है। इस दौरान डीसीपी नॉर्थ और एसीपी महानगर दोनों ही अधिकारी पुलिस कमिश्नर के साथ मौजूद थे। उन विवेचनाओं को किस तरीके खत्म करना है, उनका निस्तारण कैसे किया जाना है, साथ ही साथ जो IGRS से जुड़े जो मामले होते हैं जो थानों पर शिकायत पत्र के रूप में आते हैं, महिला संबंधी अपराध और SC/ST से जुड़े जो अपराध हैं उन पर समीक्षा की है, उन पर निस्तारण कैसे और कब किया जाए। साथ ही साथ जो हाल ही में जो लूट और चोरी की घटनाएं जो रात में बढ़ रही हैं उसके रूट प्लान को सही तरीके से तैयार कर रखना, वहां की जो पुलिस फोर्स है वो कैसे वहां पर गश्त करे और वहां पर अपराध किस तरीके से कम किया जाए, इसका भी एक रूट मैप जो है वो डिस्कस किया गया है और उस पर काम करने को कहा गया है। ये एक अर्दली रूम कॉन्सेप्ट है जो कमिश्नरी में लागू किया गया है और इसमें कहा जाता है ग्राउंड जीरो पर उतर कर पुलिस के खुद बड़े अफसर जो विवेचनाएं हैं उनकी समीक्षा करते हैं ताकि एक प्रेशर बना रहे कि जो मुकदमे हैं जो निस्तारण की ओर चलते हैं उस पे एक प्रेशर आकर के उसको जल्दी खत्म किया जाए और उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के अधिकारी द्वारा हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव आपका इस तमाम जानकारी के। तो लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पुलिस कमिश्नर ने अर्दली रूम किया है। आपको बता दें महानगर सर्कल में ये अर्दली रूम किया गया जहां महानगर हसनगंज व विकासनगर थानों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई। साथ ही लंबित विवेचनाओं और IGRS निस्तांतरण के मामले भी खंगाले गए। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं जहां डीजीपी समेत 9 IPS अफसर होंगे आज रिटायर। डीजीपी हितेश चंद्र आज रिटायर होने हैं, साथ ही IPS अफसरों के साथ कई PPS अफसर भी रिटायर होने वाले हैं। नए डीजीपी को लेकर आज CM ऐलान कर सकते हैं। UPSC के सीनियर IPS अफसरों के पैनल को यूपी सरकार को भेजा गया है। मुकुल गोयल और RP सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है। तो बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां डीजीपी समेत 9 IPS अफसर आज रिटायर होने वाले हैं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।